हाय दोस्तों, हमारे चैनल यानी कि उत्तम फैक्ट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो आप सामने देख रहे हैं उसके बारे में, जो है काफ़ी शायद बहुत अच्छी तरह की है। और आपने कई ऐसे श्रोता होंगे यानी कई ऐसे इंसान होंगे जिसने ये नहीं देखा होगा, ये वृक्ष को, ये छोड़ है, अभी ये पौधा है, बहुत ऐसे छोटे से बड़ा होता है। तो दोस्तों, ये एक ऐसा माध्यम है कि इसका उपयोग बहुत अच्छी तरह से होता है, लेकिन कई कई लोगों को और कई व्यक्ति को ऐसा पता नहीं होता कि इसका यूज़ क्या है। दोस्तों, काफ़ी आपने सोचा होगा कि ये पौधा बहुत सी अच्छी जगह, ये यानी कि हमारा जो सारे अच्छे अच्छे जो हम इवेंट यानी प्रसंग करते हैं, खास करके जो लग्न प्रसंग होते हैं, हमारा खात मुहूर्त होता है, उसमें सभी में ये इसका जिसका यूज़ होता है वो गणेश जी के बारे में आपने तो बहुत लोगों ने सुना होगा। तो गणेश जी की जो मूर्ति होती है उसके थर्ड में, यहाँ से आप देख रहे हैं इसका थर्ड जो यहाँ पर बिल्कुल सामने है, यहाँ पर बाद में आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ हनुमान जी को तो आप सभी ने सोचा होगा, आप सभी दर्शन करते होंगे, सभी जो जहाँ हनुमान जी होते हैं वहाँ पर उसकी मालाएँ लगाई जाती है। ये जो इसको जो आंकड़ा बोलते हैं, ये आंकड़ा है ये, और इसका उपयोग जो हनुमान जी की माला होती है माला बनाने में होता है। और हमने जब अगली बार कहा कि जो गणेश जी होते हैं उसकी जो लकड़ी की मूर्तियाँ होती है वो काफ़ी इसमें से ही बनती है, जो काफ़ी अच्छी तरह से बनती है। आपने सोचा होगा गणपति जी के हाथ पाँव और सर जैसी कई चीज़ अच्छी अच्छी चीज़ बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो ये इसे आंकड़ा कहता है जो और हनुमान जी के काफ़ी उपयोग में आता है। यह फूल सफ़ेद दिख रहे हैं, इतने इसके फूल बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, सभी के होते हैं, लेकिन आपने देखा होगा यहाँ पर जो नीले होते हैं और ये सफ़ेद है, ये तो काफ़ी बहुत अच्छा है जो नीला है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि किस तरह से इसका जो किस तरह का होता है फूल, किस तरह का होता है, सफ़ेद है, आप देखते हैं, जो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर आप देख रहे हो। तो दोस्तों, तो मैं उसका जो थर्ड बताऊंगा आपको, सर है जो उसका, मैं आपको बताऊं उसका जो थर्ड है वो आप देख लीजिए, मैं यहाँ से बताता हूँ। दोस्तों, ये पौधा यानी कि छोड़ ये बहुत छोटा है, इसलिए आपको दिखने में थर्ड उसका बहुत अच्छा नहीं दिखेगा, लेकिन ये छोटा है, जो बड़ा होता तो मैं आपको ज़रूर दिखाता, लेकिन ये जो अंदर है ना, अंदर काफ़ी बड़ा है, यहाँ पर इतना सारा बहुत बड़ा होता है ये, तो आपने देखा है ये बहुत अच्छा है, और इसका जो बनाने वाला है वो बहुत ही अच्छी तरह से बनाता है। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो कैसा लगा, साथ साथ हम दूसरी बात बताना चाहते हैं कि ये जो औषधि के उपयोग में भी आता है, और साथ ही साथ दोस्तों, अगर इस चैनल पर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने सारे ग्रुप में भेजें ताकि दूसरों को भी इसके बारे में पता चले। जय हिंद।